आपके नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो इस वक्त बोल रहे हैं विधानसभा में, तो नहीं हुआ। और जो ये लोग बात कर रहे थे सही नंद एक बटन बटन बैठिए कर रहे हैं। अरे भाई आप बताइए आपके साथ कितना घूमते रहे हैं चुनाव से लेकर के सब जगह। प्लीज सुनिए ना मेरी बात, हम कहीं आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं। हमको उस समय कहा गया कि नंद किशोर यादव जी को बनाएंगे, तब हमने कहा भाई नंद किशोर यादव तो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, अगर बनेंगे तो ठीक बात है। लेकिन बाद में नंद किशोर यादव जी को भी नहीं बनाया, और बनाया आपको तो हम क्या करते हैं आपको, आप तो पहले थे ही मंत्री। लेकिन आप जरा बता दीजिए जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का, अब उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना। आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा, याद करिए ना 2005 जो हम लोग एक साथ लड़े, 2005 के फरवरी में क्या वोट आया, और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में तो क्या स्थिति हुई, 88 और 55, और उसके बाद सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते थे, जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12, तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ, 115, अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए। और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था, और तब आप जीते थे, हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे, और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया तुरंत हम लोग सरकार में आए, और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो, हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बार बार उठ रहे बीमारी यार, अगर देखो बोलना, नहीं नहीं बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। अब आप समझ लीजिए हम तो नहीं थे तैयार, जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में 2010 के चुनाव में सॉरी 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था, सब चीज के बावजूद हमारे मन में बात नहीं था। और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही संभालिए, बन जाइए, तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है, पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए, आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे, अब बोलिए ना इन लोगों के ऊपर जो किया गया, अब उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है, जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव, लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया, विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए हमको अच्छा लग रहा था, आप जरा सोचिए तो,
किनको किनको हटा, सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए, और सुशील मोदी पहले थे उनको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया, आप बता बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने नंदकिशोर यादव को नहीं बनाया, इस सब लोग जो पुराने साथी थे राम नारायण मंडल विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया, खाली पहले वाले मात्र दो लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए अब उनकी पार्टी है जो भी करे, अब आज स्थिति है जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी लोग थे, आप तो जरा बताइए, हम किसी से कुछ कहते थे, सबसे काम ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कुछ भी था, लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से यह खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे, और क्या हुआ अभी तो आप इसको बता रहे थे, उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां आप समझिए पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था, अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कहेंगे दिल्ली वाले, आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है, सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस सब चीज पर कब्जा, और इसलिए अपना छपेगा तो उसका तो कोई वादे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। तो जो चीज हम शुरू से कहते रहे तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे, आप जरा बताइए हम कितनी बात जाकर के करते रहे, और आपको मालूम है ना जब आप लोग आ गए थे 7/2017 में, तो उसके पहले ही ना 7 निश्चय था, हर घर नल का जल के लिए भी है, हर घर, आप ही बताइए, हर जगह, हर जगह एक एक चीज, अरे बैठिए ना, इस सब में क्या है, अरे हम दूसरी बात सुनिए, अरे आप तो कहां से कहां हो जाते हैं, कोई ठिकाना है आपका, बैठिए ना, आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर ऐसे ही, अब पहले कहां थे, अब फिर कहां गए, फिर कहां गए, आप कुछ बोलते रहते हैं, ये सब छोड़िए, हम सब देखते रहते हैं, वो सब की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप बताइए जो 7 निश्चय में था सबके लिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, आप मेरी बात, आप हम तो बहुत सिंपल, आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं, अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं, और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने जो किया तो आप लोग साथ आए, तो मेरा जो पहले से इन लोगों के साथ 7 निश्चय तय था उसको आप भी माने, और उसके बाद जो बात हुई है दिल्ली में, एक बार मीटिंग हो रही थी तो हमसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं हर गनरल का उसको करिएगा मेंटेनेंस, हम हाँ बिल्कुल मेंटेनेंस होगा, इसे कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ी है, ये खाली पहुंचा देंगे और बाद में नहीं होगा, और बाद में जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे तब ना दिल्ली से कहा गया 6,000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए दिल्ली वाला मान लीजिए ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल, हमने आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना, लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा, तो आप बताइए बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं, और न्यूज आता है, अरे भाई तो ये भी तो करना ना चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया, और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ तो हम तो नहीं ना माने, और फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसवा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है, हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है, हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं तो राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है, तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था, अब यहां जो भी काम करते हैं अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा, और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक एक चीज को अलग अलग समय, और आप बताइए हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया,
अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसी ना कर, इसीलिए ना कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के यहां पर है और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जाने हो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे बताइए। अरे बैठिए ना अटल जी, अब बैठिए सदन में, जान लो जरा सा। अटल, श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी, आई सब केंद्र में थे। मालूम है बच्चे हो जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ, और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी? हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग सारे नेता जो सबसे बड़े नेता थे जब पहली बार ये पार्टी बनी, तब अटल जी और उसके बाद बोलिए अडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उस समय हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको कहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट मिलाए, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे, जरा जान लीजिए, 13 में अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए, अडवाणी जी का। हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे, उस समय तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धेय, आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये आ गए ही कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? अरे बैठिए, जो अंडरगंड बोलो, आगे जगह मिलेगा। बैठ जाए, जब बोलोगे अनाप शराब, अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शराब तो शायद मौका मिल जाए आपको, नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी ही को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले, जो बोलिएगा अनाप शराब, अरे बैठिए ना, आपसे कोई आज का, हम बीजेपी से अलग थे तब भी ना रोज हमसे मिलते थे आप, बताइए तो ये सब काहे बोल रहे हैं? हाँ आप बोलते जरूर रहिए, और अच्छा है। अब आप कोई भी बोलेगा, बोल चुके हैं, और उसको जो मान लीजिए बाद में जगह नहीं मिली, हमारी तकलीफ जान लीजिए, जो पहले हमारे साथ सब मिलकर के काम करते थे और उनको मौका नहीं दिया, तो इसीलिए सब समझ, आप जरा जान लीजिए। हमको एक एक आदमी, अरे यार क्या बात करते हो, और बच्चे शांति से सुनिए, बच्चे छोड़िए, अच्छा है। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना? भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा
उसी को जगह मिलेगा, आप जान लीजिए। यही है आप लोगों की पार्टी, सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे है, कितना कितना मानते रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे खिलाफ बोलो, आप बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा, ये जरूर करो, जरूर करो। और जब जगह मिलेगा हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम मिले। और आप सब लोग एक अच्छी तरह जान लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए हमने कितना आप सब लोगों का ख्याल रखा। हमारे पार्टी के सब लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सारे लोग अब आप चले गए, अच्छा है, आप थोड़ी विरोध करिएगा। आप ये ना बताइए, सात पार्टी इधर है, एक पार्टी भी समर्थन कर रहा है, आठ पार्टी, तो आप लोग ना जाइएगा, नहीं तो कुछ है आपका, कुछ है, इसलिए इसलिए भाग रहे हैं। और जब कहा गया होगा, कहा गया होगा, ऊपर से कहा गया होगा, इसलिए भाग रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों में से किसी ना किसी को जगह मिलेगा। तो ये सब काम जो हो रहा था इसी के चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए, और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे, और अंत में हम लोगों ने तय किया। आप सब लोगों से बात होती थी, और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।